हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आज हम बना रहे हैं भिंडी और वेज कीमा। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। सबसे पहले हमने तेल गरम कर लिया है और तेल के अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज डालने से पहले आप चेक कर लें कि तेल गरम है या नहीं। अगर आपको सरसों के तेल की स्मेल आती है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा तेज़ गरम कर लें, और अगर स्मेल इसकी आपको अच्छी लगती है तो प्याज डाल दें। इन्हें हम हल्का पिंक होने तक भुनने देंगे, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा पिंक करना है। प्याज हल्की सी गुलाबी होने लगी है, इस कंडीशन पे हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच लिया है हमने। एक मिनट इसको भून लेंगे चला चला कर। जब ये भून जाए इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने एक प्याज और एक टमाटर लिया था, जिनको आप देख रहे हैं हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों के लिए हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक टू टेस्ट। अमचूर वो या नींबू हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। मसाले को भुनने देंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भुनने देंगे। मसाले को चेक कर लेंगे, मसाले को तेज आंच पे भुनने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ी देर मंदी आंच पर छोड़ दें, क्योंकि जो इसमें टमाटर प्याज वगैरह होते हैं आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, फिर आपको उसको पीस कर ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी आप ट्राई करें कि मंदी गैस पर मसाला भुने हुए की सब्जी और तेज गैस पर मसाला भुनी हुई सब्जी का टेस्ट अलग होगा। ये तो आप जब खाएंगे आपको जब भी पता चलेगा, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है सिर्फ हल्का सा मसाला भूनने के तरीके से ही। और आप देखेंगे कि मैं इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालूँगी, अब तो सिर्फ सब्जी रह गई है मसाला भूनने के बाद, इससे ज़्यादा मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी इसमें। अभी और भून लेंगे मसाला। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मसाला भून चुका है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब मसाला भून जाता है तो ये छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिनमें से ऑयल सेपरेट होने लगता है, इसका मतलब होता है कि मसाला भून गया। इससे ज़्यादा ना भूनें क्योंकि मसाले की जो नमी होती है वो चली जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी ऐड करके सिर्फ हमने एक मिनट के लिए इसको मंदी आंच पर ढक के छोड़ देना है।
एक मिनट बाद देखिए भिंडी में हल्की सी नमी आ गई है। और ये हमने 150 ग्राम भिंडी ली थी, जिसमें हमने ये न्यूट्रीला जो 10 रुपये का पैकेट आता है वो पूरा भिगो दिया था, और अब हम इसको डाल देंगे। इसमें अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही मंदी आंच पर पकने देंगे। ज़रूरत होगी तो हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे, हम इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे। और इसको बिल्कुल मंदी आंच पर हमने छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते भी रहें। ये अपनी ही नमी में अच्छी तरीके से बन जाएगी, सिर्फ ज़रूरत होने पर ही पानी ऐड करें, क्योंकि हमने जो ये सोया न्यूट्री है इसको भिगो दिया था, तो इसका पानी भी है और अपने आप का ही मॉइस्चर इसमें पक जाएगा। पाँच मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में हमने इसको 3 बार चलाया है। ये देखिए भिंडी दिखाई दे रही है हमारी कि गल चुकी है, इसको गैस बंद कर देंगे और सर्व करते हैं इसको हम। लीजिए तैयार है भिंडी और न्यूट्री की सब्जी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। एक बार आप बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। इसमें हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।